Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 16 फ्यूचर टेंस. ओके, यू हैव रीड चैप्टर 15 पास्ट टेंस. बेटा आपने पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम चैप्टर 16 फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. बेटा आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों में भी प्रेजेंट इनडेफिनिट एंड पास्ट इनडेफिनिट एंड आल्सो आपने देखा था क्या देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसमें जैसे उसमें आपने देखा था इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस, तो वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी हम इनडेफिनिट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस. बेटा मीन्स सिंपल इनडेफिनिट या सिंपल इनडेफिनिट को हम सिंपल भी कह सकते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी हमने बताया था. तो सिंपल फ्यूचर टेंस शोज एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. मीन्स बेटा क्या होता है, ये उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं ना. सिंपल फ्यूचर टेंस शोज एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस या इनडेफिनिट टेंस उन एक्शन को शो करता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं. तो फ्यूचर और दो एक चीज और विल या शैल जहां भी यूज करते हैं बेटा, तो वो क्या होता है फ्यूचर टेंस. ओके, तो नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. बेटा इसमें भी हम अफर्मेटिव निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ये तीनों सेंटेंसेस को हम रीड करेंगे. सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव. तो वर्ड ऑर्डर को देखेंगे बेटा. वर्ड ऑर्डर में हम ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट. यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल यूज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ही विल गो. बेटा ही आई यू या कोई अगर नाम आया तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल. बेटा शैल हम आई यहाँ पे लिखा है. शैल इज यूज्ड विथ ओनली आई एंड वी. मीन्स शैल का यूज केवल आई या वी के साथ करते हैं और अदर्स सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही यूज करते हैं. वैसे बेटा मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें हम आई एंड वी में भी विल ही यूज करते हैं. ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश जब रीड करोगे तो उसमें भी आई वी सबके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं. सो ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट डे. ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट डे. वह अगले दिन मुंबई जाएगा. तो विल बेटा क्या हो गया, यहाँ पे विल हमने यूज किया तो वी विल गो टू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये है मुंबई एंड नेक्स्ट डे ऑब्जेक्ट हो गया. तो बेटा वी विल गो टू मुंबई नेक्स्ट डे. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल कम टू मी सॉरी यू विल कम टू माई हाउस नेक्स्ट डे. तुम मेरे घर नेक्स्ट डे आओगे. तो विल कम यहाँ पे विल या शैल का यूज हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे विल या शैल हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया. तो बेटा ऐसे ही नेक्स्ट अब है निगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा एंड निगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर में हम देखेंगे इसमें विल शैल के बाद क्या यूज करते हैं, नॉट. निगेटिव बढ़ाने के लिए तो नॉट का यूज करते ही करते हैं. सो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, शी विल नॉट मैरी विथ मी. वह मुझसे शादी नहीं शी विल नॉट मैरी विथ मी. वह मुझसे शादी नहीं करेगी, है ना. और वी शैल नॉट गो टू पिकनिक टुमारो. वी शैल नॉट गो टू पिकनिक टुमारो मीन्स
हम कल पिकनिक पे नहीं जाएंगे। बेटा एक चीज आप ध्यान दोगे इसमें वी के साथ क्या यूज हुआ है, शेयर, आई के साथ शेयर, बट हम यहाँ पे विल भी यूज कर सकते हैं। वी शेयर नॉट गो टू पिकनिक टुमारो, हम कल पिकनिक पर नहीं जाएंगे। एंड नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, वर्ड ऑर्डर में देखेंगे। पहले इंटरोगेटिव में फर्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन वर्ड, देन विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्या है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल वेयर विल द रॉबर रॉब, वेयर विल द रॉबर रॉब, डाकू जो है, रॉबर मीन्स क्या होता है, डाकू, तो डाकू डाका कहाँ डालेंगे, है ना, डाकू कहाँ डाका डालेंगे यानी कहाँ चोरी करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, विल यू अरेंज सम मनी फॉर मी, विल यू, यहाँ पे विल या शैल अगर बेटा पहले आ गया तो ये भी क्वेश्चन वर्ड हो जाता है ना, तो विल यू अरेंज सम मनी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ मनी की व्यवस्था करोगे, कुछ मनी अरेंज करोगे, तो यहाँ पे विल यू अरेंज सम मनी फॉर मी, तो क्या तुम कुछ मनी अरेंज करोगे मेरे लिए। तो बेटा ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, एंड नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अभी हम रीड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इज इन फ्यूचर, मीन्स ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, कंटिन्यूटी, एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करते हैं, फ्यूचर में कंटिन्यूटी एक्शन की जो हम जो करते हैं, मीन्स कि हम जो करते हैं वो कंटिन्यू जो करते हैं उसको शो करता है कब, फ्यूचर में। तो इसको हिंदी में बेटा जैसे देखो कि रहा होगा, जिसके लास्ट में रहा होगा, जैसे हम कर रहे होंगे, वह कर रहा होगा, कर रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, जिसके लास्ट में आता है वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि गागेगी किस में, फ्यूचर में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में। तो एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो अभी तक आपने इंडेफिनिट में देखा, इंडेफिनिट में क्या होता है, ताहे तीयते हैं, और फ्यूचर में क्या होता है, गागेगी, तो यहाँ पे, और कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, जैसे आपने बेटा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों रीड किया है, तो प्रेजेंट में आप देखोगे कि प्रेजेंट टेंस में भी यूज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब आपने पढ़ा होगा तो कंटिन्यूअस में आपने देखा होगा कि इंग फॉर्म यूज होता है, पास्ट में भी वाज या वर्ड के साथ यूज फॉर्म यूज होता है, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यहाँ पे इंग फॉर्म यूज करेंगे, एंड विल शैल की प्लेस पे विल बी या शैल बी यूज करते हैं। सो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो बेटा अफर्मेटिव फर्स्ट अफर्मेटिव देन निगेटिव एंड देन इंटेरोगेटिव, इसमें भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप रीड करोगे। सो फर्स्ट वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर आप फॉर्मेट देखोगे, फर्स्टली सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, इंग यूज करेंगे। सो आई फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी टीचिंग इन द क्लास, मैं कक्षा में, मैं क्लास में पढ़ा रही होंगी, एंड ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वह हमसे अगले सप्ताह मिल रहा होगा, वह मुझसे अगले सप्ताह मिल रहा होगा। एंड बेटा ये शैल बी इज यूज्ड विथ ओनली आई एंड वी, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि शैल बी या शैल किसके साथ यूज करते हैं, आई या वी के साथ, बट मॉडर्न में आप आई और वी के साथ भी विल ही यूज करते हो। सो एंड नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव में फॉर्मेट निगेटिव की हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स
सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है, विल या शैल, फिर नॉट बी, यहाँ पे बेटा नॉट बी यूज करेंगे, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, आई एन जी यानी इंग फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल शी विल नो बी, यहाँ पे क्या होगा, शी विल नॉट बी रीडिंग, शी विल नॉट बी रीडिंग ड्यूरिंग डे, ठीक है, शी विल नॉट बी रीडिंग ड्यूरिंग डे मीन्स वह दिन में नहीं पढ़ रही होगी, क्या होगा, वह दिन में नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी रीडिंग ड्यूरिंग डे. तो यहाँ पे रही होगी आया ना, और नहीं रही होगी, पढ़ नहीं रही होगी, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, विल नॉट बी. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी गोइंग टू पिकनिक मीन्स हम पिकनिक पे नहीं जा रहे होंगे, हम पिकनिक पे नहीं जा रहे होंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ड ऑर्डर में वेल बेटा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. तो व्हाई विल यू द, फॉर एग्जांपल व्हाई विल द बॉयज बी क्वारलिंग मीन्स क्यों क्या, व्हाई विल द बॉयज बी क्वारलिंग मीन्स लड़के क्यों लड़ रहे होंगे, लड़के क्यों लड़ रहे होंगे. एंड हु विल बी बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, हु विल बी बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों पे, स्ट्रेंजर्स मीन्स बेटा यहाँ पे अजनबियों पे कौन भौंक रहा होगा, है ना, ये आपके बेटा एग्जाम्पल है. फ्यूचर टेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. तो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मेट आपको समझ में आई होगी. एंड बेटा नेक्स्ट है आपका ये कोर्स बुक, ये सॉरी लैंग्वेज एक्सरसाइजेस के पेजेस पेज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल एंड शैल. आपको बेटा इसमें विल और शैल का यूज करना है. तो आप जानते हो मैंने बताया है अभी कि विल शैल किस में, आई या वी में यूज करते हैं, एंड बाकी सब में क्या यूज करोगे, विल. दिस ट्रेन विल गो टू, शी विल एंड यू विल, राजेश विल, और यहाँ वी है तो वी के साथ शैल यूज करेंगे. नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, आपको इन सेंटेंसेस को निगेटिव बना के यूज करना है. तो विल बी है तो विल नॉट बी, ठीक है, शी विल है तो शी विल नॉट हो जाएगा, आई शैल तो आई शैल नॉट, ठीक है, वी शैल तो वी शैल बी तो वी शैल नॉट बी, इट विल बी, तो ऐसे बेटा यहाँ पे यूज करेंगे. एंड नेक्स्ट सी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू इंटेरोगेटिव मीन्स आज जो सेंटेंसेस दिए हैं इसी को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे. तो यहाँ पे प्रताप विल है, विल अगर पहले आ जाता है तो क्या बन जाता है, हमने अभी वीडियो में बताया था, अभी हमने बताया था बेटा कि विल अगर पहले हम यूज करते हैं, ये विल जो है अगर पहले आ जाता है तो भी क्या बन जाता है, क्वेश्चन मीन्स प्रताप विल बी यूजिंग इंटरनेट, विल प्रताप बी यूजिंग इंटरनेट, क्या प्रताप इंटरनेट यूज करता है, सॉरी करेगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर है ना, विल, तो प्रताप विल बी यूजिंग इंटरनेट, विल प्रताप बी यूजिंग इंटरनेट, क्या प्रताप इंटरनेट यूज कर रहा होगा, आई एन जी है तो कर रहा होगा, क्या प्रताप इंटरनेट यूज कर रहा होगा. And the children will be playing in the class. Will the children will be playing in the class? Means क्या children class में खेल रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको बेटा exercises complete करने हैं. And next बेटा ये अब आपका ये जो chapter 16 है ये भी complete होते हैं, और इसी के साथ हमारा syllabus भी कंप्लीट होता है. तो बेटा आप इसके बाद कंटेंट के थ्रू आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करोगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.